हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दी कल्चरल अप्रोच जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर नंबर टू सेल्फ एंड पर्सनालिटी हम डिस्कस कर रहे थे एंड इन आर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ट अबाउट सो अब जो हमारा ये फ्रॉम योर क्लास ट्वेल्व साइकोलॉजी चैप्टर नंबर टू इसमें हम देखेंगे कि कल्चरलिटी को स्टडी किया जाता है या स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू कल्चरल अप्रोच एंड हेयर आई एम सलोनी पांडे साइकोलॉजी एजुकेटर वेलकम यूर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पर आपको मिलती है हंड्रेड परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के सो आई होप सो कि आपने प्रीवियस लेक्चर सारे देख लिए हैं जितना भी मैंने आपको पढ़ाया दैट इज क्लियर टू यू सब आगे बढ़ते हैं फाइन और अब जो है बिहेवियरल अप्रोच हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था नाउ लेट्स मूव ऑन टू कल्चरल अप्रोच नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि कल्चर वाला एक जो अप्रोच है या कल्चर के थ्रू हमको जो है पर्सनालिटी को समझना है देखो दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट तो इकोलॉजिकल और कल्चरल इन्वायमेंट के थ्रू जो है हम यहां पर पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं इट प्रपोजेस दैट अ ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन दी ओरिजिन ऑफ कल्चर एंड बिहेवियरल वेरिएशन ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो एक ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम होता है कि वो कैसे अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करके रखते हैं कोई भी ग्रुप है ठीक है कोई भी सोसाइटी है कहीं पर भी वो किस तरह से अपनी इकॉनमी को मेंटेन करके रख रहे हैं इसी से उनके कल्चर का ओरिजिन होता है और कल्चर से ही हमारा बिहेवियर फ्रेम होता है और वही हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है इसको देखो कैसे समझ सकते हैं Suppose if this is your economic system, then this is the culture, fine, and hmm, this is the culture. न दिस कल्चर रिफ्लेक्ट्स योर बिहेवियर एंड देन कम्स योर पर्सनैलिटी ये कल्चरल अप्रोच कह रहा है देखो क्या बोल रहा है बेठा सो इकॉनमिक सिस्टम या इकॉनमी मेंटेनेंस सिस्टम लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ कल्चर ना दिस कल्चर क्या बोलेंगे उसको ये जो कल्चर है ये हमारे बिहेवियर को शेप प्रोवाइड करता है या इसी से हमारा बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन होता है एंड अल्टीमेटली व्हाट पर्सनालिटी. फाइन दिस इज क्लियर मतलब कहा क्या जा रहा है कल्चरल अप्रोच में कि हमारा मेजर फोकस है इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम पर क्योंकि जिस तरह से एक इकोनॉमी को मेंटेन किया जाता है वहीं से उसका कल्चर बनता है ठीक है वही कल्चर उसके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है और यही बिहेवियर पर्सनालिटी को बताती है अभी ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे बट अभी इतनी चीज क्लियर है फाइन ओके लेट्स मूव ऑन फर्दर टू नेक्स्ट थिंग दैट इज द क्लाइमेटिक कंडीशंस नेचर ऑफ़ टैरन ऑफ द हैबिटेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फ्लोरा एंड फोना इन इट डिटर नॉट ओनली पीपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट ऑल्सो दे आर सेटलमेंट पैटर्न सोशल स्ट्रक्चर डिविजन ऑफ लेबर एंड अदर फीचर आर ए चाइल्ड हियरिंग प्रैक्टिसिज देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम जो है वो वाइटल रोल प्ले कर रहा है क्योंकि जिस तरह के क्लाइमेट में हम रह रहे हैं जिस तरह के uh, टेरेन में हम रह रहे हैं जिस तरह की जमीन वहां पर है जैसा फूड वहां पर मिलता है देखो क्या चीज बोली इकोलॉजिकल एंड कल्चरल इन्वायमेंट एंड इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम तो जिस इन्वायरमेंट में जिस इकोलॉजी में आप रह रहे हो वो चीज ना केवल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है पर आपके सेटलमेंट पैटर्न को भी डिटरमाइन करता है फॉर एग्जाम्पल ले लो कोई पर्सन है जो प्लेन एरियाज में रहते हैं ओके okay? एंड वो भी फर्टाइल प्लेन एरियाज ओके और कोई हिली टैरन एरियाज में रहते हैं, या हिली टैरन भी ना कहें ठीक है हिली एरियाज में रहता है फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार इन जगहों पर रह रहे हैं अब ये मेनली मेनली यूपी की अगर मैं बात करूं तो फर्टाइल प्लेन एरिया है ठीक है वहां पे बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होता है तो फूड की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है वहां पे तो लोग जो है सेटल्ड वे में अच्छे से वहां पर रह भी सकते हैं अच्छा खाना भी खा सकते हैं फाइन ऑक्यूपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है उनकी इसी तरह की रहेगी कि एग्रीकल्चर में मेनली है हिली एरियाज फॉर एग्जाम्पल ले लो आप आसम मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट वाला है वो पूरा ले लो ठीक है अब नॉर्थ ईस्ट में कोई रह रहा है तो वो पूरा हिली एरियाज फाइन या उत्तराखंड हिमाचल ऐसे जो भी आपको मानना है ठीक है अब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज हैं पे जो है आप देखोगे कि क्योंकि हिली तो सेटलमेंट जो है वो अच्छे से हो नहीं पाता अब कभी कोई दिक्कत आ रही है कभी कोई दिक्कत आ रही है कभी लैंड स्लाइड हो गया कभी जो है अर्थक्वेक आ गया कभी किसी तरीके का जो है फ्लड ही आ गया एक एग्जाम्पल मैं आपको ठीक है या कभी कोई जो है ह्यूमन की वजह से ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर हो गई ये सारी चीजें ऐसे में रहने खाने में काम करने में हर एक चीज में बहुत दिक्कतें आएंगी फाइन तो आप किस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हो अब जैसे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड पड़नी ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी लेकिन यहाँ पे ठंडी ठंड पड़नी है है ना तो ये सारी चीजें जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका सेटलमेंट आपकी सोसाइटी फिर आपकी सोसाइटी वहां पर कैसी बनेगी है ना आपकी सोसाइटी वहां पर किस तरह की बन जाएगी अब सोसाइटी कैसे बनती है जब लोग आपस में साथ में आते हैं ठीक है ये अलग अलग चीजें मैं आपको समझा रही हूँ सब साथ में हम कंबाइन करेंगे सोसाइटी कैसे बनती है जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ये कोई एक एरिया है है ना एक बहुत बड़ा सा एरिया है ये अभी यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे कुछ यहां पे रहते हैं कुछ एक दो यहाँ कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे अलग अलग जो है ये लोग सब रहते हैं अब इनने कहा यार सब अलग अलग काम करते एक दिन चलो सब साथ में आ जाते सब साथ में आ गए ठीक है सब जो है कैसे आ गए साथ में आ गए और सबने कहा अपन मिलके ना एक अपनी जो है एक पूरा अपना ग्रुप बनाते हैं और अपन लोग सब अब से जो है बिल्कुल साथ में रहेंगे ठीक है तो अब ये सब साथ में आके यहाँ पे रहने लग गए और यहाँ पर ही ये लोग अपना काम वगैरह भी करते थे और यहीं पर ही साथ में रहते थे अब साथ में रहते थे तो उन्होंने अपने जो है रूल्स रेगुलेशन क्या चीजें होनी चाहिए किसको क्या करना चाहिए किसको क्या नहीं करना चाहिए ये बनाना शुरू करा तो धीरे धीरे करके एक पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है रेडी हो गया कौन क्या काम करेगा कौन क्या नहीं करेगा किसके क्या रोल्स होंगे क्या नियम है कायदे कानून जो सबको फॉलो करने हैं तो एक सोसाइटी बन गई अब सोसाइटी बनी है तो भैया फिर कल्चर तो आना ही आना है है ना अब लोग आपस में साथ में आए हैं रहना शुरू कर दिए हैं एक कल्चर भी बन जाएगा कि किस तरीके का रहन सहन होगा कैसी लाइफ स्टाइल होगी क्या चीज़ खाएंगे क्या पहनेंगे सारी चीजें ये मिला के एक पूरा कल्चर बन गया फाइन तो मैं आपको बस इतनी सी एक चीज़ समझा रही हूँ कि मेनली जो कल्चरल अप्रोच है वो किन चीजों की बात कर रहा है देखो इकोलॉजिकल कल्चरल इन्वामेंट इकोनॉमिक मेंटेनेंस सोशल स्ट्रक्चर्स ऐसे समझो इसको कि जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे हम ये कहां बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ये इसको यहां ले आते हैं मैं ठीक है दिस 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 वन नाउ व्हाट इज एन हैमेंट और इकोलॉजी ठीक है ये क्या है ये एक एनवायरमेंट इकोलॉजी uh, है ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और ये ऐसा इन्वामेंट है जहाँ पे इजीली जो है लोग रह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है टेम्परेट एरियाज़ काइंड ऑफ ठीक है बहुत अच्छे से यहाँ पे रहा जा सकता है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से रहा जा सकता है तो जितने भी लोग आपस में इधर उधर सब अलग अलग जगह पर रह रहे हैं अभी सब अलग अलग रहते हैं ठीक है कोई यहाँ रहता है कोई यहाँ रहता है कोई यहाँ पे रहता है कोई यहाँ पे रहता है अब ये लोग सब अपने यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिए अपना अपना और बढ़िया से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं किसी के पास ज़्यादा लैंड है किसी के पास कम लैंड है किसी के पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसी पर कम प्रोडक्शन हो रहा है मतलब एक तरीके की इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर बन गई है क्या बन गई है इकोनॉमी क्योंकि देखो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीजें कहां पर होती हैं इकोनॉमी के अंदर ही होती हैं तो अब यहां पर क्या बन गई एक इकोनॉमी बन गई ठीक है बना कि इकोनॉमी यहां पे तो ये जो है आपकी बन गई क्या इकोनॉमी फाइन मैं लिख देती हूं यहां पर यह हो गई हमारी इकोनॉमी ये हमारा इन्वायमेंट या इकोलॉजी ठीक है ये एक इकोनॉमी बन गई अब सब कमाते खाते थे सब अच्छे से रहते थे तो सबने का अलग अलग क्यों रहे साथ में आ जाते हैं तो सबरे के सबरे क्या किए साथ में आ गए अब सब साथ में आ गए तो क्या बन गई एक सोसाइटी ठीक है सब साथ में आ गए तो क्या बन गई एक सोसाइटी बन गई अब सब साथ में रह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बस साथ में रहेंगे मैं एक एग्जाम्पल ही आपको दे दू कि आपके आप किसी नई कॉलोनी में रहने जाते हो कोई नया घर देखते हो तो वहां पर भी आप देखते हो ना कि किस तरह के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं कैसे यहां के लोग रहते हैं तो आप भी उसी में ढल जाते हो या फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर कोई नया नेबर आ जाए है ना तो अब वो नेबर जो है वो भी समझेगा पहले कि यहां पे किस तरह से जो है रहा जाता है या फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी अलग अलग से अपना काम करते हो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप बस आपको कि जैसे न्यू ईयर आया ठीक है तो आप और आपके जो नेबर हैं उनने साथ में मिलके कहा कि इस बार न्यू ईयर अपन साथ में सेलिब्रेट करेंगे अपन ये फूड बनाएंगे आप ये फूड बनाना अपन साथ में मिलके जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे क्यों क्योंकि हम सब साथ में रह रहे सोसाइटी में रह रहे हैं अलग अलग तो रह नहीं रहे आइसोलेशन में तो रह नहीं रहे तो अब जब सब सोसाइटी में साथ में आ गए तो सबने कहा सिर्फ रहने के लिए साथ में नहीं आए हैं है, है ना एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी बनेंगे फैमिली बनेगी किनशिप होंगे रिलेटिव्स बनेंगे शादियां होंगी लोगों की आपस में क्योंकि अब अब सब साथ साथ में में रहने के लिए अब साथ में आ गए तो लोगों ने फिर एक अपना कल्चर बनाना भी जो है क्या करा स्टार्ट करा क्या एक चीज शुरू कर दी अपना एक कल्चर बनाना जो है स्टार्ट कर दिया अब ये कल्चर हो गया जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूं कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल जो घर की महिलाएं होंगी ठीक है जितनी भी वुमेन्स हैं वो सब जो है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो बाहर भी जॉब कर सकती हैं और घर का काम जो है सब मिल बांट के किया जाएगा और साथ ही साथ में जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवानी है ये ऐसे करके एक पूरी सोसाइटी बनी अब उसमें फिर एक कल्चर बना कल्चर बना कि किस तरह की वे ऑफ लाइफ होगी हम लोग कैसा फूड खाएंगे तो ऑब्वियस है कि जिस तरह की इकोनॉमी जिस तरह की इकोलॉजी इन्वायरमेंट है वैसा ही फूड ये लोग कंज्यूम करेंगे हम कैसे कपड़े पहनेंगे मैंने कहा ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है तो नॉर्मल जैसे भी कपड़े वो लोग अपने हिसाब से डिजाइन करके पहनना चाहें तो ये भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से डिसाइड हो गया कि कैसे कपड़े वो पहनेंगे फाइन सो so ऐसे करके जो है एक पूरा कल्चर बन गया ये बात आई समझ में तो ये मैं आपको यहां पर ये एक चीज बता रही हूं कि जो कल्चरल अप्रोच है उसका जो फोकस है ना वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा है किन चीज़ों के ऊपर कि ये सारी चीजें कैसे कैसे हो रही हैं अब कल्चर बनाए तो वही जो मैंने अभी आपको सिखाया कि फिर हमारा बिहेवियर डिटरमाइन होगा कि हमको कैसे क्या काम करना है हम अपना बिहेवियर दिखाएंगे वो उसी के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी को हम स्टडी कर सकते हैं ये इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है ना वो यहां यहाँ सिर्फ इन तीन चार लाइन में कि कहना क्या चाहते हैं बात तो कल्चर की हो रही है लेकिन इकोनॉमी भी आ गई इन्वायमेंट भी आ गई सब कुछ आ गया ओके सो टेकन टूगेदर दीज एलिमेंट ओवरऑल लर्निंग जब ये सारी चीजें आपस में एक साथ मिल जाती हैं जैसे अभी मैंने मिला दी तो यहां से एक ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे थे कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस भी होती है फिर इसी एनवायरमेंट में क्या होगा बच्चे बड़े होंगे जो नए बच्चे होंगे अब वो बड़े होंगे वो इन्हीं चीज़ों को देखेंगे इन्हीं को सीखेंगे है ना तो एक तरह का एक पूरा लर्निंग एन्वायरमेंट उनके लिए रेडी है पीपल्स स्किल एबिलिटीज बिहेवियरल स्टाइल्स वैल्यू प्रायोरिटीज आर व्यूड एज स्ट्रांगली लिंक्ड टू दीज फीचर्स तो आपकी एबिलिटीज uh, क्या क्या हैं आपको क्या चीज़ें पसंद हैं आपकी क्या वैल्यूज है बिहेवियर का स्टाइल कैसा है सारी चीज़ें आपस में अप रहेंगी मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ एंशियंट सोसाइटी में थोड़ा सा हम चलें ये सोसाइटी में तो अभी हम चले ही नहीं अभी हम बस बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स अगो की बात करें जब लोग सेटल्ड नहीं हुआ करते थे जब लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे वो पत्ते ही पहनते थे जब वो हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे क्लियर उस एक टाइम पर अगर हम चले और एन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें मान लो किसी ऐसे इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं जो जहां पे हमेशा जंगल ही जंगल है ठीक है पूरा जो है फॉरेस्ट वाला एरिया है पूरा और बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं यहाँ पे ठीक है और थोड़ा दूर यहाँ पे कहीं पे आप बहुत दूर जाओगे तो आपको यहाँ पे जो है डेजर्ट भी देखने को मिलेगा मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं है यहाँ पे टैरन जो है वो नॉर्मल नहीं है तो अब यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं लकड़ी काटते हैं उसी को जलाते हैं और जो है उसी पे जो उनको मिल जाता है हंटिंग करने के बाद में उसी को पका के जो है खा लेते हैं फाइन लकड़ियाँ ही काटने का काम कर रहे हैं और माउंटेन्स हैं ठीक है तो उसी पे रहते हैं और साथ ही साथ में क्योंकि कोई सोर्स ऑफ फूड तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं से कि उनको खाना मिल जाए ठीक है और तो जानवरों को ही मार काट के खाते हैं तो यहाँ पे क्या होता अब limited है अब लिमिटेड है भैया एनिमल्स भी लिमिटेड है तो क्या करेंगे कि उनके बीच में फाइट भी होगी ठीक है आपस में लड़ाई झगड़े भी होंगे लोगों में और एक तरीके का जो है सभी के अंदर एक ऐसे वो बो, क्या बोलेंगे टेंडेंसी भी रहेगी कि हमको पहले फूड मिल जाए फाइन तो इस तरह के एक इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमी कैसी होगी लोग क्या काम कर रहे होंगे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है यही है इकोनॉमिक एक्टिविटी कि उनको जो है खाने पीने कहीं मिल जाए एक एग्जांपल ठीक है कि वो जो है अपना हंटिंग करके फूड ले आए फाइन अब इकोनॉमी ऐसी है अब मान लो सोसाइटी बन भी गई तो ऐसे लोगों की सोसाइटी अगर बनेगी तो वो सोसाइटी रहेगी तो अच्छी लेकिन वहां पर भी कही कहीं ना कहीं एक उनके अंदर जो है वो लड़ाई वाली चीजें रहेंगी फाइन लड़ाई वाली चीजें इन द सेंस कि अभी तो सब आ गए साथ में सब कह रहे हैं कि हाँ सब लोग हंटिंग गैदरिंग करो जितना भी मिलेगा तो मिल बांट के खाएंगे अब किसी को कम मिल गया किसी को ज्यादा मिल गया तो उसमें राइवलरीज भी होंगी सोसाइटी के अंदर जो है ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे फिर कल्चर जो होगा तो वो भी थोड़ा कुछ इसी तरीके का होगा मे बी काइंड ऑफ वायलेंट कल्चर होगा ऐसे कल्चर में जो बच्चे बड़े होंगे वो भी इन्हीं चीजों को सीखेंगे समझ में आ रही सारी चीजें तो ये सारी चीजों को आप इंटीग्रेट कर दो ना तो लोग किस तरह के हैं उनकी स्किल्स कैसी हैं उनकी एबिलिटीज कैसी हैं ये सारा सब कुछ इन चीजों से हमको पता चल जाता है फाइन रिचुअल्स सेरेमनीज रिलीजियस प्रैक्टिस आर्ट्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज गेम्स प्ले ये सब मीन्स होते हैं जिनके थ्रू लोगों की पर्सनालिटी प्रोजेक्ट होती है कल्चर के अंदर कि वो किस तरह की पर्सनालिटी को कैरी करते हैं क्योंकि ये चीजें कैसे बनती हैं कल्चर से ही एक मान लो एक आध कल्चर के एग्जाम्पल ले लें कि वहाँ पे कौन से गॉड हैं किन की पूजा की जाती है किस तरह के फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाए जाते हैं वहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी है वहाँ का आर्ट कल्चर कैसा है वहाँ का डांस फॉर्म कैसा है वहाँ पे किस तरह के गेम्स खेले जाते हैं ये सारी चीज़ें मिल आपका कल्चर बना देंगी और यही कल्चर आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होने वाला है एक एग्जाम्पल एक ले लो इंडिया का अब इंडियन कल्चर है इंडियन कल्चर एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाते हैं कैसे बना होगा है ना यहाँ पे लोग रहते होंगे ठीक है अब कहीं पर तो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं पे तो एग्रीकल्चर है ही नहीं तो वो लोग हंटर टैदर्स हुआ करते होंगे है ना कहीं पर माउंटेनियस एरिया एरियाज हैं वहां पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है लोगों को तो वो अपने हिसाब से अपनी जो है मतलब लाइवलीहुड जो है चला रहे होते होंगे और फिर धीरे धीरे करके सब जो है एक साथ में आए होंगे सब आपस में अपनी एक सोसाइटी बनाए होंगे फाइन फिर सबने अपना एक जो है कल्चर बनाया होगा फिर धीरे धीरे खैर इंडिया का हिस्ट्री अगर हम बात करें तो वो बहुत अलग है लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम बना लें कि मान लो ऐसा हुआ होगा कि सब जो है फिर साथ में आए होंगे सबने कहा होगा कि सब जो है अपना मिल बांट के काम किया करेंगे और फिर ऐसे करते करते फिर जो है कल्चर भी बनना शुरू हो गया फाइन तो यही चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है लाइक हिंदू कल्चर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं ठीक है अब हिंदू कल्चर में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं इतने सारे गॉड्स हैं इतनी सारी सेरेमनीज मनाई जाती हैं इतना सारा डांस फॉर्म है म्यूजिक है सब कुछ है फाइन ये चीज़ें हम लोगों के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं कि हमें किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है क्योंकि हमारे कल्चर में वही चलता है अभी आपको कोई पॉप सुना दे या कोरियन सुना दे तो आपको शायद पसंद ना आए फ़ाइन वो एक चीज़ अलग है कि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है सारी चीज़ें जो है आपस में मिल गई हैं तो हम सारी चीज़ों को सुनते हैं और हमें अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं लाइक like कोई होंगे जिनको कोरियन भी पसंद आता होगा फाइन लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जैसे हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि बड़ों की हमेशा पैर छू के रिस्पेक्ट करना है तो ये हमने कल्चर बनाया लोगों ने कल्चर बनाया ना मिलके फाइन एक मतलब कल्चरल ट्रेड बना दिया अब ये चीज़ अब हमको आपकी पर्सनालिटी में दिखती है तो वो क्या दिखाता है कि आप रिस्पेक्ट करते हो एल्डर्स की ये आपकी पर्सनैलिटी का फीचर दिखा देता है समझ कर पा रहा हो ना सारी चीजों को कनेक्ट कि कैसे करते करते ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी इकोनॉमी सोसाइटी कल्चर आपकी पर्सनालिटी को फ्रेम कर रहा है पीपल डेवलप वेरियस पर्सनालिटी क्वालिटीज इन एन इकोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप्स लाइफ तो जनरली लोग जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं क्वालिटीज uh, को डेवलप करते हैं इन एन अटेम्प्टू अडेप्ट टू द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप लाइफ तो जिस तरह की इकोलॉजी जिस तरह का कल्चर होता है उसमें अपने आप को अडेप्ट करते हैं और फिर जो है अपनी पर्सनैलिटी उनकी ग्रो होती है तो इसलिए जो कल्चरल अप्रोच है वो पर्सनैलिटी को कैसे देखता है एज एन एडेप्टन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू द डिमांड्स ऑफ दर इकोलॉजी एंड कल्चर तो हम जिस इकोलॉजी हम जिस कल्चर में रह रहे हैं अगर उन डिमांड्स को हम फुलफिल कर पाते हैं तो बेसिकली हम ये हमारी जो है पर्सनैलिटी को क्या करता है फ्रेम करता है मतलब पर्सनालिटी मतलब ये कि एक इंडिविजुअल अगर अपने कल्चर अपनी इकोलॉजी में अडेप्ट कर जाए वो उसकी पर्सनालिटी को शो करता है इसके वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं देखो एज यू नो अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन इवन टू इन फॉरेस्ट माउंटेन्स रीजन हंटिंग गैदरिंग एज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जैसे कि आज हम जानते हैं वर्ल्ड का अच्छा खासा प्रपोर्शन आज भी फॉरेस्ट पे माउंटेन्स में रह रहा है अभी भी हंटिंग गैदरिंग ही करते हैं यही उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और यही उनका प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है मेनली हम बात करें ट्राइब्स की जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं फाइन माउंटेन्स पर रहते हैं हंटिंग गैदरिंग करते हैं वहीं से ही जो है उनका घर चल रहा होता है हंटिंग गैदरिंग करके ही जो है वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं फाइन तो अब ये एक इनका इकोलॉजी और कल्चर है क्लियर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक बिरहोर ट्राइब का जो कि झारखंड की ट्राइब है क्लियर हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी एक बिरहोर ट्राइब की जो कि एक झारखंड की ट्राइब है मोस्ट ऑफ देम लिव अटिक लाइफ विच रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट इन स्मॉल बैंड फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर इन सर्च ऑफ गेम्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एग्जाम्पल फ्रूट्स रूट्स मशरूम हनी एक्सेट्रा देखो ये लोग करते क्या हैं जनरली देखो ये लोग रहते हैं तो फॉरेस्ट में है जैसे मान लो ये एक पूरा फॉरेस्ट है अब ये लोग यहाँ पर रहते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं अपने आसपास में फूड गैदर करेंगे जितना भी होगा फिर इनकी ऐसे ना छोटे छोटे बैंड्स टोली जैसे बोलते हैं ना छोटे छोटे बैंड्स बन जाते हैं मान लो सौ लोग हैं तो उनमें से बीस 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 के पांच बन गए मान लो एक ए है बी है सी डी और ई e, पांच बैंड है तो इनमें से एक बैंड यहां चला गया एक यहां चला गया एक यहाँ एक यहां और एक यहां और ये लोग यहां पे क्या कर रहे हैं फूड सर्च कर रहे हैं कुछ लोग को यहां छोड़ जाएंगे फूड सर्च कर रहे हैं गेम्स सर्च कर रहे हैं जैसे फ्रूट्स मिल जाए रूट्स मिल जाए कहीं पे मशरूम मिल गया हनी मिल गया तो ऐसे इनको जितना भी गैदर करके सारी चीजें मिल जाएंगी उसको लेके फिर अपने घर आ जाएंगे ठीक है और ऐसे ही इनका पूरा लिविंग चल रहा है बिरहोर सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं ठीक है ये अपने अर्ली एज से ही दीज आर अलाउड इन नॉर्मल फ्रीडम टू मूव इन टू लर्न हंटिंग एंड गैदरिंग स्किल्स जो मैं मैं आपको आपको बता रही थी देखो मैं आपको मेरी से एक्सप्लेन करती हूं कि जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि मान लो ये फॉरेस्ट और माउंटेन्स में रहते हैं तो इनकी इकोनॉमी क्या है हंटिंग गैदरिंग क्या काम करते हैं ये हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं मतलब शिकार करो और उसको जो है और बाकी चीजों को गैदर करो और फिर उसी के थ्रू अपना घर चलाओ अब ये लोग सब साथ में आके रहते हैं पूरी सोसाइटी है बिरहोर ठीक है सब साथ में आके रहने लगे मान लो एक बिरहोर ट्राइब जो है इन लोग ने अपनी बना ली इनका कल्चर भी इसी तरीके का है ना हंटिंग गैदरिंग और ये सारी चीजें अब मेनली हो क्या रहा है ये सब साथ में रहते हैं अब ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाते हैं कोई यहाँ से यहाँ जाता है कोई यहाँ से जो है यहाँ जाता है ऐसे अलग अलग बैंड्स में ये लोग जाते हैं हंटिंग गैदरिंग करके वहां से लेकर आते हैं ताकि लाइवलीहुड चलती रहे इनके जो बच्चे हैं इस ट्राइब में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग से ही ये पूरी फ्रीडम दी जाती है कि तुम बाहर जाओ दूसरे फॉरेस्ट में जाओ वहां पे घूमो और सीखो कैसे हंटिंग गैदरिंग की जाती है क्योंकि तुम्हें भी यही करना है आगे तो ये उनका कल्चर जो उनको बच्चों को सिखाया जा रहा है फाइन सो फॉरेस्ट में जो है वो फ्रीली मूव करेंगे हंटिंग गैदरिंग स्किल्स को सीखेंगे ये बच्चों को ये स्टार्टिंग से सिखाया जाता है इनके जो बच्चे होते हैं देयर चाइल्ड सोशलाइजेशन एम्ड एट मेकिंग चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब ये कि वो बड़ों की हेल्प नहीं लेना अपने काम में खुद से करो अपनी चीजें तो बच्चों को जो है शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनाया जाता है ऑटोनॉमस बनाया जाता है अपने डिसीजन खुद से लो अचीवमेंट ओरिएंटेड अचीवमेंट मतलब कुछ अचीव करना है अब उसमें रिस्क दिख रही है तो डरो मत रिस्क लो और जो है उस काम को करो उस चैलेंज को करो जैसे उनको शुरू से ही हंटिंग सिखाई जाती है अब मान लो हंटिंग करने चले गए किसका शेर का शिकार करने चले गए अब भाई शेर कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है लेकिन बच्चा तो छोटा है लेकिन उसको सिखाया जाएगा कि तुमको ये चीज़ करनी है तो तुमको रिस्क तो लेनी पड़ेगी तुम चलो करो तुम शिकार फाइन तो ऐसे जो है उनको ऑटोनॉमस अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट बनाया जाता है बच्चों को तो ये चीज़ उनको कल्चर में शुरू से ही सिखाई जा रही है इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ चिल्ड्रन आर सोशलाइज टू बी ओबीडियंट टू एल्डर्स नटरेंट टू यंगस्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना है उनकी बात को मानना है अपने भाई बहनों के साथ में जो है मतलब अपने जो छोटे हैं उनको भी सिखाना है उनके साथ में मस्ती भी करना है और साथ ही साथ में अपनी ड्यूटीज को भी फुलफिल करना है तो एग्रीकल्चर सोसाइटीज में ही जनरली जो बच्चे होते हैं उनका सोशलाइजेशन कुछ इसी तरीके से होता है अब क्योंकि उनकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ जो हैं दैट मेक पीपल मोर फंक्शनल इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज दे बिकम डामिनेंट फीचर्स ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी इन कॉन्ट्राज टू इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट विच आर मोर फंक्शनल इन हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज मतलब ये है कि क्योंकि इनकी जो बिहेवियरल क्वालिटीज होती हैं वो इनको फंक्शनल बनाती हैं कि आप चाहे अचीवमेंट ओरिएंटेड रहो चाहे आपके अंदर ऑटोनॉमी रहे चाहे इंडिपेंडेंस रहे तो जो ये जो डामिनेंट फीचर्स हैं इनके अंदर ये फीचर्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी के इसी से आपकी पर्सनालिटी बनती है ऑटोनोमस मतलब आप अपना डिसीजन ले सकते हो तो वो एक आपकी पर्सनालिटी को शो करता है कि यू आर अ डिसीजन टेकर यू आर अ स्ट्रांग पर्सन फाइन तो ये सारी चीजें जो हैं ज्यादा फंक्शनल होती हैं हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक परस्यूट एंड कल्चरल डिमांड चिल्ड्रेन एंड हंटिंग गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज डेवलप एंड डिस्प्ले डिफरेंट पर्सनलिटी पैटर्न तो इनके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सनलिटी पैटर्न होते हैं और यही जो इनकी पर्सनालिटी होती है ये मतलब कहां से दिखने को मिल रही है उनकी सोसाइटी उनके कल्चर के थ्रू तो कल्चर और इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कहाँ आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फाइन आई होप सो आपने अपने नोट्स में ये दोनों फ्लो चार्ट बना लिए हैं एक ये जो मैंने आपको बनवाया और एक ये जो मैंने आपको बनवाया देखो मैंने आपसे क्या कहा आपका इकोलॉजी आपका इन्वामेंट आपकी इकोनोमी देन become society, society forms its own culture and this culture further what shapes your personality. ठीक है, ये जो आपका culture है, बाद में यही आपकी personality को shape करेगा। क्या करेगा? Wait. ओके okay. नाउ यहां से जो है आपकी पर्सनालिटी बन है जैसे हमने वहां पे बच्चों को देखा बिर ट्राइब के कि किस तरह से जो है वो हंटिंग करना गैदरिंग करना सीख रहे हैं डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में रिस्क ले रहे हैं चैलेंज ले रहे हैं इंडिपेंडेंट हैं ये सारी चीजें ही इनकी पर्सनालिटी को धीरे धीरे करके क्रिएट कर देगी जैसे एक एग्जांपल ले लो आपके घर में अगर आपको चीजों को लेके फ्रीडम दी जाती है आपको बोला जाता है आप खुद अपने डिसीजन लो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी पर्सनलिटी में रिफ्लेक्ट होगी लेकिन अगर आपके डिसीजन आपके पेरेंट्स ले रहे हैं इतने बड़े होने के बावजूद भी तो वो चीज़ दिखाती है कि आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी ये चीज़ों के बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कर ऑफ सेल्फ एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में आई होप सो यहां तक जितनी चीज हमने डिस्कस करी दैट इज क्लियर टू यू फाइन सो so, यहां तक जितना भी हमने पढ़ लिया है जस्ट रीड इट एक बार कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले टॉपिक्स को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और और भी अप्रोचेस को आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट प्रिंस की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट प्रस के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं साथ ही साथ में जो मैग्नेट बीन की ऐप है दैट इज डब्ल्यू डब्लू दैट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर और जो मैग्नेट बीन्स की वेबसाइट है दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट बीन्स डॉट कॉम दट इज वेरी इजिली एक्सेसिबल ऑन गूगल तो आपको जस्ट इसको गूगल पे एंटर करना है और आपके सामने हमारे सारे टॉप कोर्सेज हमारे टॉपर्स ई क्वालिटी एजुकेशन just बेस्ट क्लिक ऑन इट classes होंगी आपके सामने जो भी क्लास आपको पढ़ना है जो भी सब्जेक्ट जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक करते जाना और सारे वीडियोज आपके सामने ओपन हो जाएंगे वॉच नॉप पर क्लिक करते ही आप बहुत ईजिल सभी वीडियोज को एक्सेस कर सकते हो और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के हम आपसे कोई पेमेंट और ना ही आपको कोई कूपन भेजेंगे एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे साथ ही साथ ही में आप मैग्नेट बेन्स को इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो और इतना ही नहीं मैग्नेट बेन्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट आप देखेंगे राइट साइड में टॉप में तो आपको एक रेड कलर का आइकन दिखेगा जहां से आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो और साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन के नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स एंड ई बुक्स जो कि किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक के लिए सभी के लिए अवेलेबल है तो दैट इज उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप उस फॉर्म को फिल कर दो और डिफरेंट कैटेगरीज में बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है जो सब आपको मिल सकती हैं आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर अब जो है आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो मैगनेट बीन इज ऑलवेज विथ यू एंड फॉर मोर अपडेट्स इस स्टेट्यून विथ मैग्नेट बीन ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच